किए, रिप्लाई की है, पैसे मांगे हैं। मैंने उन पे भी कोई वीडियो नहीं बनाई, उनका नाम स्क्रीनशॉट सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। वो यूट्यूबर जिन्होंने पैसे मांग कर बाद में मैसेज ऑल डिलीट कर दिया, ठीक है, वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे पास वो मैसेजेस भी मौजूद हैं, पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप अगले बंदे का दुख सुनकर भी, अगर आपको पैसा ऊपर लगता है ना, इंसानियत नहीं है, दुनिया फा। अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ऐसी कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत से लोगों ने कहा वीडियो बनाने का, बट मैंने ऐसा कहा मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना। अभी मैं एक वीडियो देख के फारिग हुई हूँ, मैंने वीडियो देखी सारा यासीन की, जिसमें उन्होंने कहा जी वो मीटअप किया गया खाने के लिए, खाना खिलाया, मीटअप अपने चैनल के लिए किया गया, और जी बाद में लिंक ना लगाने पे उसके ख़िलाफ़ ही वीडियो बना दी गई है। तो ये बहुत ही बुरा अमल है। हर बंदा अपना ज़र्फ़ दिखाता है, अपना आप दिखाता है, तो मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट पर्सन ने अपना ज़र्फ़ दिखाया है ये सब कुछ करके। नहीं तो सारा की मैं बातें सुन रही थी कि आज से 2 2.5 साल पहले की वो बातें जब बता रही थी कि जब प्रमोशन के लिए उसने मैसेजेस किए, तो मुझे भी ऐसे, मैंने भी बहुत से लोगों से रबते किए हैं जिनमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे अपने चैनल की प्रमोशन करवानी, तो आप लोग यही कहते हैं यूट्यूब पर आके बहुत अच्छे बनते हैं ना, तो आके यही कहते हैं कि जी हम प्रमोशन करते हैं, हम लोग आपका नाम लेंगे। हमने बहुत से लोगों को किया, और जो आके उनका बताते हैं कि हमारी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट की है, और जब उनसे रबते करो तो 20-25 हज़ार से नीचे बात नहीं करते। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से लोगों को अपना बताया है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास नहीं है। सतारा की वही बात कि मैं 2 हज़ार भी कहते तो मैं 2 हज़ार भी ना दे सकती, तो बिल्कुल ऐसी बात है, मैं भी नहीं दे सकती। 500 के हैं तो मैं 500 भी नहीं दे सकती। बात वहीं आती, मैं अपनी बेटी के मुंह के नवाले छीन के उनके मुंह में नहीं डाल सकती, ठीक है। मुझे सबसे पहले मेरी बेटी है, तो चैनल मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है कि अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला चलेगा चलेगा, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की किस्मत का मिलेगा मिलेगा, तो ये यकीन है जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ और करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ। तो सारा के मैं देख रही थी, तो मैंने ये देखा, मैंने ये चीज़ देखी कि लोग कितने कमज़र्फ होते हैं। आप किसी से एज अ फ़ैन मिल रहे हो, वो आपसे मिल रहा है, इतने बड़ा यूट्यूबर आपसे मिल रहा है, और बाद में आप आके उसके खिलाफ, पहले आप उसके साथ अच्छे बन के वीडियो बनाते हो, नेक्स्ट डे आप जब आपको मतलब पूरा नहीं होता आप उसके खिलाफ वीडियो बना देते हो, कि मतलब किस चीज़ की आपको इतनी जल्दी होती है। एक एक मुलाकात में कोई आपका नहीं बनता, आप उनसे मिले हो स्ट्रेंजर के तौर पर, आपको चैनल के तौर पर, तो टाइम लगता है, टाइम दो तो पता चलता है। मैंने एक मीटअप किया था अभी कुछ अर्सा पहले, ठीक है, सतारा की फैमिली से ही मीटअप किया था मैंने, मैंने नैना से मीटअप किया था। नैना को मैंने कहा था आप हमारे शहर आई हैं तो हमसे मिले बगैर चली जाएंगी। नैना से मिले, बहुत अच्छे मीटअप रहा, बड़ा अच्छा मिले, ठीक है। मैंने नैना को बताया अपना इश्यू कि जी मैं सिंगल मदर हूँ। मैंने उनको अपना YT स्टूडियो भी खोल के दिखाया कि ये मेरी इनकम है अब तक की, और मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस वजह से काम कर रही हूँ। तो मुझे नैना ने यही कहा कि जी YT भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप इसके अलावा भी कुछ हुनर भी घर रखें, जैसा लैश एक्सटेंशन वो लगाती हैं, मैं भी आपको सिखा देती हूँ, आपके घर आ जाऊँगी आपको सिखा दूँगी, दोस्त एक दो सिटिंग्स में आप सीख लेंगी, तो आप वो काम कर लें। मैंने कहा ठीक है, तो पर मसरूफियत, वो लाहौर आई थी घूमने के लिए, नहीं आ सकी। मैंने उसके खिलाफ़ वीडियो नहीं बनाई, उसकी मेरे से कमिटमेंट थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं मिली हूँ, मैंने खाना खिलाया, मैंने गिफ्ट दिया, जो भी किया, ठीक है, मैंने अपनी मोहब्बत में दिया, मोहब्बत में खिलाया, एक मेहमान नवाजी थी। मैंने उसके खिलाफ़ वीडियो नहीं बनाई कि जी मैंने ये अपने चैनल के लिए किया था, तो आपने मेरा चैनल का प्रमोशन नहीं की, आपने मेरा लिंक नहीं दिया, ठीक है, मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई। वो मेरा जर था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि मुझे किसी इंसान से उम्मीद नहीं है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है, ठीक है। एक अगला बंदे को मजबूरी आप बता दें, ठीक है, कहते हैं कि अपना कुर्ता चुको तो खुद नंगे होने वाली बात है, तो मैंने अपना, अपनी स्टोरी खुद बताने के बावजूद अगर कोई नहीं कर रहा ना, तो उसका ज़र्फ़ है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैंने जिन लोगों को इंटरव्यू दिया था अपना, उन लोगों के चैनल पे भी आप जाके देख लें, मेरा लिंक रिमूव हो चुका है। एक लिंक लगे रहने से क्या होता है, ठीक है, उन्होंने भी लिंक रिमूव कर दिया। तो अब मैंने उनसे दोबारा इंटरव्यू की बात की, तो वो मतलब रेंट पे करने की बात होती है कि रेंट आप पे करें तो हम आ जाएंगे आपका इंटरव्यू कर लेंगे। मेरे पास रेंट के पैसे भी नहीं है, मैं कैसे दे दूँ? हाँ मुझे अपना चैनल चलाना है, सबको चलाना है, ठीक है, लोगों को नज़र आता है यूट्यूब पे पैसा इस वजह से आए हैं,
तो मुझे नजर आती मेरी बेटी जिसको मैं छोड़ के बाहर सफर नहीं कर सकती, मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। मैंने सितारा को बहुत मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, कोई एक भी सीन नहीं हुआ। ऐसे में कोई सीन हुआ है तो रिप्लाई नहीं किया, कोई एक भी सीन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने और भी बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स को मैसेजेस किए हैं जिन्होंने सीन किए हैं, रिप्लाई किया है, पैसे मांगे हैं, मैंने उन पे भी कोई वीडियो नहीं बनाई। उनका नाम, स्क्रीनशॉट, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। वो यूट्यूबर जिन्होंने पैसे मांग कर बाद में मैसेज ऑल डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे पास वो मैसेजेस भी मौजूद हैं, पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप अगले बंदे का दुख सुनकर भी अगर आपको पैसा ऊपर लगता है ना, इंसानियत नहीं है, दुनिया फानी है, सब ने चले जाना है, ये नेकियां हैं जो आपके साथ आगे जाएंगी ना। अगर आपको वो नेकियां जमा करने का शौक नहीं ना, आपको पैसा ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तो मुझे भी गुनाह कमाने का शौक नहीं है कि मैं ये सब कुछ करके एक ड्रामेबाजी करूं, एक वक्ती व्यूज़ ले लूं, लोगों के सामने आ जाऊं। और मतलब मैं अगर बुरी हूं तो मैं आप लोगों को गंदा करूं, मुझे नहीं करना ये सब काम, ठीक है। भाई कह के, बहन कह के, मैं बाद में उनके खिलाफ वीडियोस नहीं बनाती। हर बंदा अपने जर्फ के मुताबिक काम करता है, तो ये बहुत बुरा एक्ट होता है कि आप सब थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। हर बंदे को उसकी किस्मत का रिस्क मिलता है। अगर सितारा खा रही है, अपनी किस्मत का रिस्क खा रही है, तो हम जो खाएंगे हम अपनी किस्मत का खाएंगे। ये तरीका कार नहीं होता। सितारा का बिल्कुल कहना ठीक है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, रिप्लाई भी नहीं करते, मिलना तो दूर की बात है, अगली बंदी मिल लेती है, मिलने के बाद हाँ प्रमोशन नहीं करती, एक अच्छी बात है, रूल बनाया हुआ है। मैंने किया था ना कि मेरे किसी ने हेल्प नहीं की तो मैं करूँगी, जो 100 200 300 सब्सक्राइबर्स वाली जो यूट्यूबर्स थी, उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जी हमें कम्युनिटी दे दो, उनकी कम्युनिटी दे दे कि मेरा अपना चैनल डिमोनिटाइज हो गया था, मेरे अपने व्यूज़ ख़त्म हो गए थे। तो होता है ये, अपनी औलाद का पेट काट के कोई किसी के मुंह में नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डाल सकता। तो मैं यही कहूँगी कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट पर है। वो इसकी वजह से ये होगा ना कि आप लोग कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जो लोग नीडी हैं, जो लोग वाकई प्यार करते हैं, जो लोग वाकई मिलना चाहते हैं, तो वो लोग से वो मिलेगी नहीं, वो इस कदर हो जाएगी कि वो मिलेगी नहीं। तो आप लोग ऐसी हरकतें ना करो कि तमाम लोगों से एतबार उठ जाए, किसी से भी मिलना पसंद ना करें। ये ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे लोग होते हैं जो तमाम इंसानों से भरोसा उठा देते हैं। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। हर बंदा अपने जर्फ के मुताबिक काम करता है। मैंने बाबर भाई को मैसेज किया था, मैंने उनको कहा था, बाबर भाई मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने उनको ऐसा नहीं कि अब किया था, आज से 9 मंथ पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब भी मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने मुझे तब भी रिप्लाई किया था। उसके आफ्टर 2 3 मंथ्स बाद उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने मुझे फिर रिप्लाई किया। अब मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा बाबर भाई व्यूज़ नहीं आते, तो उन्होंने कहा मैं आपका ना लिंक लगा दूंगा इंस्टा पे। उन्होंने मेरा लिंक लगाया इंस्टा पे कि जी इनको ज़रूरत है, सिंगल मदर है। वही नेक्स्ट डे जब मैंने उनको थैंक यू के लिए वीडियो बनाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना, मैंने उनको कहा था, ठीक है, उन्होंने मेरी वीडियो कम्युनिटी में शेयर की, ठीक है। अगर मैं उनको कहती ना कि बाबर भाई मुझ पे कोई एक वीडियो बना दें, अगर वो वीडियो बना देते ना तो मेरा मेरा चैनल ग्रो हो जाता, मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने हालांकि किया, मैं ज़बरदस्ती किसी के गले नहीं पड़ती, जिसको जितना मुनासिब लगता है वो उतना करता है, तो अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। तो उस तरह का एक एक लफ्ज़ उनसे ना, वो जो 2.5 साल पहले बीतने वाली बातें बता रही थी ना, वो सब कुछ मुझ पर अब बीत रहा है। 9th मंथ की जर्नी हो गई है, उसने भी स्ट्रगल करने के बाद ही अचीव किया है। तो इस तरह का काम मत करें कि वो हम लोगों से भी ना मिले। तो बस यही कहूँगी मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे जो लोग जानते नहीं हैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी बेटी जस्ट 4 डेज़ की थी, मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी कि जी नहीं, उसको बेटी नहीं चाहिए। बेटी को लेकर पाल रही, माशाल्लाह 2.25 साल की होगी मेरी बेटी, लगी हुई हूँ कोशिश में। मैं उसको चाहूँ, मैं अपनी ज़िंदगी आसान चाहूँ ना, मैं उसको अपनी बहन के हवाले करके ना खुद दूसरी शादी कर सकती हूँ। बेटी मेरी बड़े होकर क्या कहेगी, मामा मेरे बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, आपने क्या किया, दोनों एक जैसे ही थे, आप में भी कोई फ़र्क नहीं है, आपने भी मुझे छोड़ दिया,
तो ये अल्फाज मैं नहीं सुनना चाहती, इसीलिए मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाती, नहीं मैं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बेटी, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी, मैं किसी तरीके से उसको डैमेज नहीं करना चाहती। तो इस वजह से अगर मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है ना, तो मेरे जैसी 100 ज़िंदगियाँ कुर्बान मेरी बेटी पर, क्यों मुझे उसको उसको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, उसको किसी तरह का स्ट्रेस, कोई ऐसी सोच, कुछ ऐसा उसके जहन में ना आए कि जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मेरे साथ तो जो होना था हो गया, उसके साथ तो मैं अच्छा कर सकती हूँ ना, वो तो मेरे हाथ में रहे। खैर, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे काम मत करें जिसकी वजह से हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी जो है ना वो पीछे रह जाएं। खैर, किसी को खाना खिला के जिताना सबसे गंदा फेल है। हर बंदा अपनी किस्मत का रिस्क खाता है, बेशक वो अपनी पॉकेट से खाए या आपकी पॉकेट से खाए। तो ये काम जो सब बहुत ही गंदा है, किसी से मीटअप करो, वेरी नेक्स्ट डे आप उसके अगेंस्ट वीडियो बना दो, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये आप अपने आप बता रहे हो कि हम किस कदर एक, क्या कहूँ मैं उसको, किस कदर हम बनावटी हो चुके हैं, किस कदर सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें सिर्फ अपना मतलब नज़र आता है, हमें वो नज़र नहीं आता जो अगले ने हमारे साथ बिहेव किया। मैंने किसी के ख़राब वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ऑन द कॉल, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द मैसेज मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया गया। मुझे तो यही कहा गया हाँ हाँ हम करेंगे, उसके बाद नहीं किया वो उनका फेल है। तो मेरे मुंह पे तो मुझे यही कहा गया ना कि हाँ हाँ हम करेंगे, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि जो मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरे मुंह पे तो अच्छे थे ना, बाद में जो किया वो उनका फेल है, वो अल्लाह जाने वो जाने, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। चलो मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, अल्लाह हाफिज़।